एक बुजुर्ग दरिया के किनारे दुनिया से कदरे हटकर कुटिया में रहते थे। उनके पास एक नौजवान गया जो हक का मुतलाशी था। उसने सवाल किया कि बाबा जी बताइए भला कुरान पाक पढ़ने से दिल का जंग कैसे उतरता है जबकि हमें समझ भी नहीं आती। बाबा जी बड़े गहरे इस्तराग में गुम थे, सुनी अनसुनी कर दी। नौजवान ने फिर सवाल किया। जब तीसरी मर्तबा उसने यही सवाल किया तो बाबा जी ने बेजारी से उसे जवाब देते हुए कहा, जा वहां कोने में बाल्टी पड़ी है, उसमें से कोयले निकाल कर रख दे और करीब ही दरिया से पानी भर कर ला। नौजवान हद्दे अदब की वजह से अपने सवाल के इस अजीब जवाब पर जुजबुज हुआ, मगर एहतराम हायल था, लिहाजा खामोशी से उठा और बाल्टी लेकर बाहर दरिया की जानिब रवाना हुआ। कोयलों की वजह से बाल्टी बाहर से चमकदार और अंदर से बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। जैसे ही नौजवान ने दरिया से पानी लिया और बाल्टी उठाकर चला तो यकायक उसे मालूम हुआ कि बाल्टी में सुराख हैं जिनसे पानी कुटिया तक पहुंचते पहुंचते सारा बह गया। वो अंदर दाखिल हुआ, बाबा जी ने सारा माजरा सुना और कहा, दोबारा जा। नौजवान समझ गया कि बाबा जी की बात में जरूर कोई हिकमत है, लिहाजा बाल्टी उठाई और फिर चल पड़ा। दोबारा पानी भरा मगर फिर वही हुआ, सारा पानी पहुंचने से पहले बह गया। बाबा जी ने सुना लेकिन फिर कमाल की लापरवाही से कहा कि जा फिर पानी भर के ला। नौजवान ने इस तरह कई चक्कर काटे। जब थक गया तो बाबा जी को कहने लगा, आप ना जाने क्यों मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं जबकि आप देख रहे हैं कि बाल्टी में किसी तरह से पानी नहीं आ सकता। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहा, जरा बाल्टी को अंदर से देखो, क्या ये वैसे ही स्याह है जैसे पहले चक्कर में तूने इसे देखा था? नौजवान ने बाल्टी को देखा और कहा, नहीं, अब तो ये बिल्कुल साफ हो चुकी है, इतनी बार पानी जो भरा है इसमें। बाबा जी ने शफकत से मुस्कुराते हुए कहा, पानी नहीं पहुंचा लेकिन उसकी सिफ्त ने बाल्टी को स्याह से सफेद कर दिया है। यही कुरान पाक की सिफ्त है, पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, इसकी सिफात तेरे दिल को यूं ही जंग से साफ करके इस दिल में मौजूद दुनियादारी के सुराखों से सारा जंग बहा कर ले जाएगी। आखिर में दिल साफ सुथरा दुनिया की आलाइशों से पाक होकर तुझे अल्लाह से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देगा। बस यही था तेरे सवाल का जवाब। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि दुनिया में कोई भी काम हो, अगर आप मेहनत और सच्ची लगन से उस काम को करते रहें तो अल्लाह पाक मंजिल जरूर अता करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल MA अब्दुल्ला ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।